हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपने अपना एएमयू का बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक, 11 साइंस, 11 कॉमर्स और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और साथ के साथ आज एमबीए का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है। तो आप जानते हैं कि एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम सेप्टेम्बर के 19 तारीख से शुरू हुए हैं, और ये जो रहने वाले हैं ये 6 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। एएमयू के बैचलर कोर्सेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन कुछ अभी रह गए हैं। जैसे बैचलर इन फाइन आर्ट्स का रह गया है, बीएससी नर्सिंग का रह गया, बीवॉक वगैरह का रह गया, बीई इवनिंग वगैरह का अभी रह गया है। तो अभी एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम शेड्यूल जो काफ़ी बिजी चल रहा है। एएमयू बैक टू बैक एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर ले रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैक टू बैक मास्टर डिग्री के सारे कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, शेड्यूल दिया हुआ है। और आपको अब ये पूछना था, आपकी कमेंट आ रही थी, सर हमारा रिज़ल्ट कब तक आ सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, अभी तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आएगा वो 6 अक्टूबर के बाद आएगा। यानी कि आप मान सकते हैं 10 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है। और रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद ही आपका जो है, एक हफ्ते बाद आप मान सकते हैं, एक हफ्ते बाद जो है आपको काउंसलिंग के लिए या तो ऑनलाइन काउंसलिंग होने के चांसेस हैं या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उम्मीद दुआ करिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग हो। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, तो वहाँ पर वेटिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है ऑफलाइन काउंसलिंग में, ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं हो पाती जब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास फ्री टाइम है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट हैं या कहीं से अरेंज करना है तो आप अरेंज करके रखिए अपने पास डॉक्यूमेंट्स को। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी, सर हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 32, किसी के 34, ठीक है। तो बहुत से लोग पूछे थे हमारा होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, जहन में रखिए अपने, कि अगर आपके 50% नंबर आ रहे हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट जिसके 50% या 50+ नंबर आ रहे हैं। तो आप समझ सक आपका जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। वहीं अगर इंटरनल स्टूडेंट की बात की जाए तो इंटरनल स्टूडेंट के अगर 40+ या 40+ नंबर आ रहे हैं, अराउंड 40 नंबर आ रहे हैं, तो आपके भी पॉसिबिलिटी, मतलब आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो स्टूडेंट जिनका 30 से भी कम नंबर आ रहे हैं उनका क्या है। तो दोस्तों, एक हमारी फ्रेंड थी, वो 11th क्लास में थी, तो उनका जो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं था, उन्होंने चेक किया तो नहीं था, वो रोने लगी अचानक। तो हुआ ये कि हमने जब चेक किया, उनके पेरेंट्स ने चेक किया और हमने भी खुद चेक किया, तो सिलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो जब बाद में हमने वेटिंग लिस्ट में देखा तो वेटिंग लिस्ट में उनका जो है रोल नंबर था, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर था और उनकी वेटिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 40 के आसपास थी, तो उनकी वेटिंग क्लियर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं आता है या रोल नंबर नहीं होता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वो बच्ची रोई थी उस टाइप से आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सुकून से पेशेंस के साथ। अगर सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वेटिंग लिस्ट में चेक कीजिए, ठीक है। अगर आपका पेपर अच्छा खासा हुआ होगा, अब मान लीजिए 40 नंबर के आसपास हो गया है, तो आप पहले सेलेक्टेड लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कीजिएगा, अगर नहीं होता तो वेटिंग लिस्ट में तो ज़रूर होगा। और जिसके 30 से मतलब 25 से भी नंबर कम होंगे तो उसका तो वेटिंग में भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे भी बनाकर अपलोड की हुई है, अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप उस लिंक की मदद से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एडमिशन के टाइम। तो दोस्तों, और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि आपको अगर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब कितने नाम मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।